1913 जब ना ऑनलाइन शॉपिंग हुआ करती थी, ना स्मार्टफोन और ना ही डिजिटल इंडिया। आज अगर हम कोई मूवी बनाए तो उसके लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस समय एक डायरेक्टर के लिए 10 लोगों को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल होता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी दौर से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में। हेलो गाइस, मैं सृष्टि गुप्ता फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बोल इंडिया में। दादा साहब फाल्के नाम सुना सुना सा है। आज हम उसी फिल्म की बात करेंगे जिसने दादा साहब फाल्के को हमारी ज़िंदगी के लिए एक इंस्पिरेशन बना दिया। आइए आज हम बात करते हैं इस देश की बनी हुई पहली फीचर फिल्म राजा हरीश्चंद्र, जिसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने अपनी ज़िंदगी की कई चुनौतियों को पार करके इस मूवी को बनाया, और इस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने किन चुनौतियों को पार किया, आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। शुरू करें हमारा वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। दादा साहब की ज़िंदगी की पहली चुनौती थी इस मूवी के लिए इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना। इस मूवी के लिए इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्हें कई अलग अलग देशों में जाना पड़ा, कई एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ा, और तब जाके वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन इक्विपमेंट्स को इकट्ठा कर पाए। दादा साहब की दूसरी चुनौती ये थी कि उनको एक चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए था, एक चाइल्ड आर्टिस्ट जो हरीश चंद्र के बेटे का रोल निभा सके। लेकिन वो मुश्किल हुआ क्योंकि उस समय कोई भी अपने माँ बाप अपने बच्चे को फिल्म में काम करने देना ही नहीं चाहता था, और इसीलिए दादा साहब ने ये फैसला लिया कि उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल अपने बड़े बेटे बालचंद्र को दिया। उन्होंने बालचंद्र को वो रोल दिया और उन्हें बनाया हमारे देश का पहला चाइल्ड आर्टिस्ट। दादा साहब की ज़िंदगी की तीसरी चुनौती थी फीमेल आर्टिस्ट की। अब जब मूवी बननी थी और फीमेल किरदार लिखे गए तो उसमें फ़ीमेल आर्टिस्ट कहाँ से लाए जाए। फीमेल आर्टिस्ट के लिए दादा साहब ने बहुत मेहनत की, कई न्यूज़पेपर्स में ऐड दी, कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली दादा साहब ने एक नई खोज की, वो कई थिएटर्स में गए और वहाँ से वो अपने कई मेल आर्टिस्ट को लेके आए। जी हाँ, इस फिल्म में जितने भी फीमेल रोल्स थे वो सभी मेल आर्टिस्ट ने किए थे, और उन मेल आर्टिस्ट में एक मेल आर्टिस्ट थे सोलंकी। सोलंकी एक बॉम्बे के रेस्टोरेंट में एक कुक का काम किया करते थे। दादा साहब जब उस रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने सोलंकी को देखा तो उन्होंने वहीं फैसला कर लिया कि यही मेरी फिल्म का फीमेल लीड रोल करेंगे, और फिर वैसा ही हुआ। दादा साहब ने सोलंकी को अपना लिया और सोलंकी ने भी इस फिल्म के लिए तुरंत हाँ कर दिया। इसी तरह दादा साहब की तीसरी चुनौती भी पार हुई। जब दादा साहब ने ये सब चुनौतियाँ पार की तो दादा साहब ने कभी सोचा नहीं था कि ये मूवी इतनी बड़ी हिट जाएगी। ऑडिशन थी, उसमें टोटल 40 लोगों ने काम किया, लेकिन दादा साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि इस फिल्म के बारे में वो अपने परिवार वालों को कुछ ना बताएं। दादा साहब डरते थे कि परिवार वालों को पता चलेगा और ये लोग भी आना बंद कर देंगे। इसी कारण उन लोगों ने अपने परिवार वालों को बोला कि वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और इसी तरह ये प्रोडक्शन जारी रही। इसी के चलते दादा साहब के साथ एक और चुनौती आई। आप इसे चुनौती कम एक कॉमिक सीन ज़रूर याद करेंगे। दादा साहब ने जब ये सोचा कि हम एक आउटडोर शूटिंग करनी है, और उसके लिए उन्होंने बॉम्बे के एक छोटे से गांव को चुना, तो उसी के चलते सारा कास्ट क्रू अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ सेट पर पहुंच गया। जैसे ही वो सेट पर पहुंचे तो गांव वालों में एक हड़कंप मच गया। गांव वालों को लगा कि हमारे गांव में आज वाकई में कुछ डकैत आ गए हैं और कुछ होने वाला है। तो इसी हड़कंप के चलते कुछ लोगों ने पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी, और इसी कंप्लेंट को सुन के सूबेदार साहब सेट पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही सारे कास्ट और क्रू को अरेस्ट कर लिया। जैसे ही दादा साहब को ये बात पता चली, वो तुरंत सब काम छोड़ के सेट पर पहुंचे। सेट पर पहुंच के उन्होंने सूबेदार साहब से बहुत मिन्नतें की, लेकिन सूबेदार साहब मानने को ये बात तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आर्टिस्ट से बोला और वो सीन सारे दोबारा सूबेदार साहब को करके दिखाए। पूरी कहानी सूबेदार साहब को सुनाई गई, एक एक चीज़ उन्हें दिखाई गई, ताकि उन्हें इस बात पे यकीन हो सके कि वाकई में ये एक मूवी की शूटिंग है। सोचिए ज़रा, एक पिक्चर बनाने के लिए ये सब भी करना पड़ता है। ये सब होने के बाद सूबेदार साहब को जब यकीन हो गया कि ये मूवी वाकई में एक मूवी बन रही है, तो उन्होंने पूरे कास्ट एंड क्रू को छोड़ दिया। पर चुनौतियाँ वो तो वहाँ ख़त्म नहीं होने वाली थी।
अगला किस्सा था एक ऐसा जिसमें एक दुर्घटना घटी, लेकिन इस दुर्घटना से दादा साहब पे कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी पिक्चर को लेके इतना सीरियस थे कि इस दुर्घटना से भी उन्होंने पार कर लिया। क्या हुआ यूँ कि जब गांव में शूटिंग चल रही तो दादा साहब के पुत्र यानी कि बाल चंद्र को चोट लग गई और इसी चोट के लगने की वजह से उनके सर से बहुत खून बहा और वे थोड़े बेहोश हो गए। दादा साहब ने तुरंत फर्स्ट एड किट मंगाई, अपने बच्चे को फर्स्ट एड किट दिया, उसकी मरहम पट्टी की, पर उनको होश नहीं आ रहा था। पर दादा साहब अपनी शूटिंग छोड़ना नहीं चाहते थे, तो दादा साहब ने क्या किया, बालचंद्र को बेहोशी की हालत में ही लिया, लिटाया और एक सीन शूट किया जहाँ पर उन्हें राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु का सीन शॉट करना था। उन्होंने पूरा सीन शॉट किया और उसके बाद वो बालचंद्र को लेके हॉस्पिटल गए। ये बताता है कि दादा साहब अपनी फिल्म को लेके कितना ज़्यादा सीरियस थे। उस दौर में एक और ट्रेंड था, उस दौर में ये ट्रेंड था कि जितने हमारे हिंदी सीरियल्स बनते थे वहाँ पे नरेशन दी जाती थी, जिससे लोग उस नरेशन से जुड़े रहें, उस मूवी से या उस सीरियल से या उस कहानी से जुड़े रहें। और इसी नरेशन को दादा साहब अपनी फिल्म में भी दर्शाना चाहते थे। दादा साहब चाहते थे कि ये नरेशन वो खुद अपनी पत्नी के साथ इस मूवी में दें। पर एक और प्रॉब्लम, उनकी पत्नी इसके लिए राज़ी नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दौर ही अलग था, उस दौर में ये सब चीज़ें आम बात नहीं होती थी, इसीलिए उनकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। दादा साहब ने इसके लिए भी एक सोल्यूशन ढूंढा। उन्होंने एक मेल आर्टिस्ट को, एक मेल थिएटर आर्टिस्ट को लिया, उसे अपनी बीवी के कपड़े पहनाए, उसे उनकी तरह बोलना सिखाया और उन्हें अपने साथ खड़ा किया और लोगों को बताया कि वो उनकी पत्नी है। इसीलिए दादा साहब तो दादा साहब थे। दादा साहब ने इन सब चुनौतियों को पार करने के बाद एक प्रीमियर रखने का फाइनल किया। जब ये मूवी पूरी रेडी हो गई तो उन्हें प्रीमियर नाइट रखने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर फाइनली, बिल्कुल फाइनली 21 अप्रैल 1913 ओलंपिया थिएटर बॉम्बे रात 9 बजे एक प्रीमियर नाइट रखी गई, जिसमें दादा साहब की इस मूवी को दर्शाया जाना था। लोग बहुत चुनिंदा इन्वेस्टर्स को बुलाया गया, बहुत लोगों को उसमें शामिल किया गया और वो मूवी आप यकीन मानिए इतनी सुपरहिट हुई कि लोग बहुत खुश हुए। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब ये मूवी आम लोगों के लिए थिएटर पे लगी थी तो वो लगी थी 3 मई 1913 में और इस मूवी का आखिरी शो हुआ था 28 जून। सोचिए ज़रा, ये फिल्म 2 महीने तक थिएटर पे थी और लोगों ने इसे भरपूर प्यार दिया। दादा साहब की मेहनत सफल हुई थी और इसी सफलता के साथ जुड़ा है एक और किस्सा। उस समय में रील कॉपी नहीं होती थी, जितनी भी रील्स बनती थी वो एक ही होती थी, आपने दिखानी है और फिर आपने एक शहर में दिखानी है, फिर आपने दूसरे शहर में दिखानी है, फिर उन्हीं रील्स को लेकर आपने तीसरे शहर में दिखानी है। इसीलिए दादा साहब इन रीलों को लेकर पहुँचे थे गुजरात। बता दें कि ये 4 रील थी, दादा साहब की जो पूरी हरिश्चंद्र मूवी बनाई थी वो 4 रीलों में आई थी। इन 4 रीलों को लेके जब दादा साहब गुजरात पहुँचे तो उन्हें अपनी फिल्म पे बहुत यकीन था और इसी यकीन के रहते हुए उन्होंने गुजरात के एक फिल्म थिएटर में अपनी 50% की हिस्सेदारी मांगी। थिएटर मालिक राज़ी हो गया। जब मूवी लगाई गई तो उसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, कुल 3 रुपये। दादा साहब इस चीज़ से बहुत परेशान थे, थिएटर का मालिक भी बहुत परेशान थे और फाइनल किया गया कि या तो इस मूवी के रेट कम करने पड़ेंगे या फिर मूवी हटानी पड़ेगी। दादा साहब दोनों से ही सहमत नहीं थे। दादा साहब ने फिर फाइनल किया, उन्होंने गुजराती के अंदर पोस्टर्स बनवाए, पोस्टर्स छपवाए, पूरे अपने आर्टिस्ट क्रू को वापस बुलाया गुजरात और नुक्कड़ नाटक कराए। उन नुक्कड़ नाटकों का फ़ायदा ये हुआ कि मूवी 1 महीने में ही 300 रुपये का मुनाफा कर गई। दादा साहब ने फिर एक चुनौती को जीत लिया था। ये थी उनकी कहानी। धीरे धीरे वक्त गुजरा। 1917 का समय आया। 1917 के अंदर एक दुर्घटना घटी जिसके अंदर इन 4 रीलों में से सिर्फ 2 ही रील बची और 2 रीलें डैमेज हो गई। इस डैमेज का भरपूर दुख तो दादा साहब को था ही, परंतु उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो इसके रुकेंगे नहीं, उन्होंने इस मूवी को रीमेक बनाया।
इसी के साथ दादा साहब की ज़िंदगी यूं ही चलती रही। हालांकि वो उस मूवी का रीमेक बना, पर मैं कहूँगी जो दादा साहब ने पहली मूवी बनाई थी वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादगार मूवी थी। आज दादा साहब के नाम से हमारे देश में सिनेमा में सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इस अवार्ड से कई दिग्गजों को सम्मानित किया गया है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, मन्ना डे, देवानंद, प्राण और ऐसे कई कलाकार। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम अगली बार आपसे ज़रूर मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू, नमस्कार।